रिक्लाइनिंग शिक्लाइनिंग वाला भी सीन होने दो। मुझे भी नजर आया वो सीट यूं ही पूरी दुनिया खत्म करेंगे यार, दुनिया खत्म करेंगे। तो दिखने में थोड़ी सी महंगी लगती है। हेलो फ्रॉम सिंगापुर, हम सिंगापुर आ गए। हमने ट्रियो कवर करना था। सबसे पहले हम गए बैंकॉक, बैंकॉक में हम लैंड किए थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। सिंगापुर में अभी हैं हम। गए हम ओरिजिनली थाईलैंड थे, सो इस्लामाबाद से बैंकॉक की फ्लाइट ली, और उसके बाद हमने जितनी फ्लाइट्स ली हैं और जितना ट्रैवल फटीग हमें हुआ है, तो भाई साहब सर हम ही जानते हैं, वो हमें ही पता है। इस लेवल का ट्रैवल था, एंजॉयज तो बहुत हुआ, लेकिन भाई साहब बीच में वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां जो था वो ठीक ठाक ट्रैवलिंग थी, उसमें नहीं हमें मजा आया। उसके अलावा हमें पूरी ट्रिप में बहुत मजा आया। अभी हम बात करें आपसे सिंगापुर में, सिंगापुर में भी है हमारा आखिरी दिन। हमने डिसाइड किया था कि भाई व्लॉग करेंगे, लेकिन दिल्ली नहीं किया व्लॉग करने का, तो फिर क्या करें। सिंगापुर का जरा आपको बाहर से एक व्यू देते हैं यार, मतलब बड़ा ही एडवांस, बहुत ही अच्छा शहर है। ये हमारे होटल से सिंगापुर का व्यू आपको आ रहा है, थोड़ी दुबई फील आती है, दुबई विद ग्रीनरी। यहाँ पे वैसे आपको जितनी ग्रीनरी देखने को मिलती है, आई थी मैंने कहीं देखी हो, मलेशिया में देखी और यहाँ पे देखी, बहुत ग्रीनरी। जिस तरह इन्होंने नेचर को प्रिजर्व किया है ना, कमेंडेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि सिंगापुर में हमारा आखिरी दिन है, पैकिंग चल रही है, हमने अपना तो बैग खुद कर लिया, सब सब कुछ डन है भाई साहब। यह जी हमारा बैग जो कि सेट, ये हमारा कंबाइंड बैग है और ये भी हमारा कंबाइंड बैग। तो कहते हैं सिर्फ दो बैग के साथ, एक ये बैग था और ये अनिया का बैग था, बट हमने जाते जाते ये कलेक्ट हो गया, इतना सामान तो हमें लेना पड़ा, ये भी और ये भी। ऑलमोस्ट वैसे हर दफा हम सोच के आते हैं कि बस यार लाइट ट्रैवलिंग लाइट, बहुत ज्यादा लगेज नहीं लेके जाना, लेकिन इवेंचुअली हमें लेना पड़ता है। अभी भी हम बैठ के एक्स्ट्रा लगेज ही ले रहे हैं। कितने हम ओवरवेट हैं? 80 किलो हमें अलाउड है, हम 80 किलो भी एक्सीड करें भाई साहब। गाइस कन्फेशन ये है कि हम अपने लिए कुछ नहीं लेते, अरे ना फैमिली के लिए हम प्रेजेंट वगैरह लेते हैं ना, तो फिर वो ओवरवेट हो जाते हैं। हेलो के जाने का भी टाइम हो गया, बहुत ज्यादा है तो फिर हमें हेल्प चाहिए था। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज। अनिया ने नए जूते लिए हैं और पहली दफा डिफरेंट लिए हैं, और ये वाकई बड़े वाइबी किस्म के लग रहे हैं। वैसे एक प्रो टिप देता हूँ, हमेशा जब भी ट्रैवल करें, दिस इज स्पेशली फॉर मैन, मुझे हमेशा ये टेंशन लग रही थी कि पासपोर्ट क्या है भाई साहब, तो बैकपैक में बार बार चेक कर रहा हूँ, वॉलेट चेक कर रहा हूँ। दो चीज़ें होती हैं, वॉलेट फॉरेन करेंसी और पासपोर्ट। पासपोर्ट अगर घूम गया तो हम ना इधर के ना उधर के, तो बेहतर ये बैग लें छोटू सा, ये आते हुए ले लें, ये यहाँ से ले लें, ये ऐसे लगाएं और ये आपका टेंशन ही नहीं है, ऐसे ऐसे सामने रखें कैंगरू की तरह, जैसे कैंगरू अपने बेबी को रखता है, आप यहाँ पे ऐसे आपने रखना है, ऐसे अपना पासपोर्ट, ऐसे अपना वॉलेट। तो हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं, कि आपको जरा छोटा सा रूम टूर करा दे निकलते निकलते, तो वाकई बहुत छोटा रूम, ये तो शुरू तो साथ ही खत्म हो गया। फुल फील्स के लिए हम जरा बाहर से अंदर आते हैं, बाहर से तो यहाँ से हम पहले बाहर जाएंगे, फिर हम यहाँ पे खड़े होंगे, फिर हम यहाँ से अंदर आएंगे। सो अंदर आते साथ ही बाथरूम है, एक्सक्यूज द मेस, प्लीज ये ना बोलिएगा कि बहुत गंदा कमरा है। गाइस वो गंदा इसीलिए, जारी सी बात है, दिनों से रह रहे हैं। हमारा बाथरूम है, बहुत छोटा बाथरूम है, मतलब ये शावर है, ये ठीक है। और फिर यहाँ से जब हम बाहर जाते हैं कमरे की तरफ, ये कुछ यूं है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये फिल्टर्ड ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे बेसिकली पानी लें, इतना लेना है। सर जगह पे आपको दो बोतलें दे देते हैं, तीन बोतलें दे देते हैं, तो आई फील दैट इज नॉट इनफ, आप पानी पे कोई कैप नहीं होना चाहिए। ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, इस आइडिया ने भाई का दिल जीत लिया। एंड गाइस हाँ, फोन में नहीं गया हमें कि आपका चेकआउट है, हमें पहले लगा था कि यार चार्ज कर लेंगे, अच्छे लोग हैं यार, अच्छे लोग हैं, अच्छे सुगर लोग बने, कमरा जरा सही करके जाया करें ताकि अगले बंदे के लिए काम थोड़ा सा कम हो। यहाँ से निकलते हैं, अलविदा बोलते हैं होटल को, होटल का भी जरा निकलते हुए आपको ओवरव्यू देते हैं। सिंगापुर में तो बिल्कुल व्लॉग नहीं किया, तो निकलते निकलते ही सही, लेकिन आपको दिखाते हैं, चाइनीज न्यू ईयर है, तो ये लोग चाइनीज न्यू ईयर को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। चाइनीज मेजॉरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है, मैंडरिन बहुत ज़्यादा बोली जाती है, जो चाइना की जबान है, जिसको हम लोग तो चाइनीज़ बोलते हैं, बट असल में नाम उसका मैंडरिन होता है। तो ये लोग ड्रैगन्स वगैरह में बहुत यकीन करते हैं, तो ये हर जगह पे आपको नजर आएंगे, और चाइनीज न्यू ईयर की डिस्काउंट्स वगैरह हर जगह पे यहाँ पे सेलिब्रेट बहुत ज्यादा करते हैं, ये सीन है। क्योंकि रेस्टोरेंट में तो बुफे वगैरह स्टार्ट हो गया, तो कॉन्सियर्ज काउंटर से हमने स्लिप ले ली। हमारा पिकअप है 4 बजे और अभी बज रहे हैं 1, तो $200 मैंने डाले और सीधा सीधा सिंगापुरियन डॉलर आ गए। हम इतनी खज्जल खुआरी कर रहे थे करेंसी एक्सचेंज ढूंढने के लिए, सिक्के भी आ रहे हैं, गुड यार, ये तो कूल है बहुत, ये मैंने पहली दफा देखा। हमारे लंच के पैसे हो गए, तो अब जरा 3 घंटे हैं जाहिर है, तो 3 घंटे हम यहाँ पे बैठेंगे तो नहीं, बाहर चलते हैं लंच के। सिंगापुर में उबर करीम का कोई सीन नहीं है, सिंगापुर में चलती है ग्रैब, लोकल टैक्सीज का भी मैंने कोई इतना कॉन्सेप्ट देखा नहीं, ग्रैब है वहाँ से हमने टैक्सी भी कराई है। अब जरा टाइम लग रहा है आने में, लेकिन जैसे ही आती है
तो हम निकलते हैं खाना खाने के लिए। तो जगह ही डिसाइड नहीं हो रही थी क्योंकि हलाल हराम का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं समझ आती कि हलाल ऑप्शंस कहाँ पे होंगी ना कहाँ पे चाहिए। पर्शियन और इंग्लिश जो कुछ भी दे दो, हलाल दे दो और खाना दे दो, बस बस कुछ भी चलेगा। बताओ ना यार, कुछ भी कोई वो इनपुट ही नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ, ये सारा मेरे ऊपर घुमाया हुआ है बर्डन। ये जो पर्शियन खाना हमने उस दिन खाया था कैपेडोकिया में गाइस, वो बेस्ट रेटेड है, मैंने उससे बेहतर टर्किश खाना पाकिस्तान में खाया हुआ, बहुत मजे का था, मजे का था। आई एम नॉट डिसएग्रीइंग के नहीं अच्छा, लेकिन आई स्टिल फील कि अगर वो बेस्ट था फिर तो बेंच मार्क लो है। लेकिन खैर, हमने एक आंटी का ना इंडोनेशियन खाना खाया था हलाल यहाँ पे ऑर्किड मॉल में, सब और फूड गैलरी में। आंटी से पूछा मैंने, कहा फूड हलाल, तो अपने हिजाब की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि ये देख यार हलाल ही होगा। बहुत मजा आया खाना, इंडोनेशियन लोग ना खाने में पीनट्स डाल, ओहो क्या मुझे मजा आया उस दिन। लेकिन ऐसे आपस की बात है, सिंगापुर में अभी तक बैड फूड डे नहीं हुआ, मलेशिया में इतना कोई अच्छा खाना नहीं मिला, थाईलैंड में बहुत अच्छा खाना था, मलेशिया में खाना अच्छा नहीं था, सिंगापुर में अभी तक बहुत अच्छा खाना है। सो छोटी सी जगह है, छोटा सा शहर है, छोटा सा मुल्क का छोटा सा शहर एक्चुअली। ये हमारी टैक्सी भी आ गई, इस तरह की कैब लगती हैं, ये कैब्स आपको रोड पे नहीं मिलेंगी, ये कैब्स आपको करानी पड़ती हैं। मैं अभी भी टैक्सी ड्राइवर ने उतारा और मैं सोच रहा हूँ यार ये बिशान स्पोर्ट्स हॉल के बाहर क्यों उतार, लुक्स लाइक अ स्पोर्ट्स फैसिलिटी, इसके अंदर रेस्टोरेंट है। गलत जगह तो नहीं ले आई? नहीं, ये तो स्पोर्ट्स हॉल है, तो स्पोर्ट्स हॉल में है ना रेस्टोरेंट, अंदर ही था यार ये रहा। गुड बाइट, अच्छी बात ये थी कि हलाल भी था पास भी था, हमने बोला कि लंच आज का यही हो जाए। मैं किस स्मेल आ रही है, हां टॉमियम की स्मेल आ रही है, हां बहुत ज्यादा लेमन ग्रास है, नहीं जरा देखें सब हलाल है कि कुछ कुछ हलाल है, पोर्क वर्क है ही नहीं। हलाल जगह पे आके हलाल चिकन, हलाल चिकन वाला पास्ता खा के जो मजा आता है ना गाइस, मुझे समझ नहीं आता है कि फ्राइज की सर्विंग इतनी बड़ी कैसे देते हैं और इतने ज्यादा कैसे कोई खा सकता है। अच्छा One of Singapore's most highly rated restaurants. Good bites. And with the food, आप जरा grab का wait करें ताकि हमारी कैब आए, हम वापस होटल जाएं। एक घंटा है हमारे पास, डेढ़ घंटा हमारा पिकअप है, उस पिकअप के पीछे पूरी कहानी सुनाते हैं रास्ते में। फ्लाइट के लिए गाइस गाड़ी पिक करने आ गई है, जरा दिखाते हैं। ये गाड़ी है हमारी जो कि हमें भेजी है एमिरेट्स ने, क्योंकि बिजनेस क्लास बाइक, रिक्लाइनिंग शिक्लाइनिंग वाला भी सीन होने की, बटन का अच्छा 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 इतने पड़े हुए नहीं होगा वो रिक्लाइन, मुझे भी नजर आया वो सीट यूं ही है। ये सूटकेस का मुझे दिखाता हूं कि पूरा पीछे जो है ये सूटकेस को भर मार है, तो उस अंकल के डॉगीज को देख रहे हैं सामने इतने प्यारे से रखे हैं उन्होंने डेस्क पे, यहां पे वो रेड डॉगीज आपको क्यों नजर आ रहे हैं। अब हम रास्ते में हैं एयरपोर्ट के, गाइस एमिरेट्स का तो काउंटर खुला नहीं तो हम जरा अर्ली चेक इन कर रहे हैं, खुद ब खुद ये जरा सामान डाल रहे हैं यहाँ से जाए, थोड़ा सा हम रिलैक्स करें और फिर के टाइम पे वापस आए। चेक इन करते साथ ही हम आगे गाइस एमिरेट्स लाउंज में, लाउंज में आने का सबसे बड़ा फायदा ही होता है तो फुल इज्जत मिलती है, इज्जत के बाद वहाँ पे आप वो चीज़ें ट्राई करते हैं जो आप कभी भी पैसे देके नहीं खरीदते। जैसे कि मैंने स्मोक सैमन, अच्छी नहीं थी लेकिन मेरे में इतना कभी ज़र्फ़ नहीं है कि मैं पैसे खर्च के देखूं, मुझे लगता था कच्ची है लेकिन पता लगा कच्ची नहीं है कि ये लेकिन सेमी पकी हुई। प्राइस दे रहा हूँ अगर कच्ची मछली खाने का शौक नहीं है, सूशी पूछी कभी स्मोक्ड सैमन नहीं ऑर्डर, ये मेरी ब्लू कॉर्ड थी, वो लगता है कि मैं वैसे कभी खरीदूंगा कहीं पे जाके, हाँ बाई चांस अगर रेस्टोरेंट चला गया तो ले लेंगे लेकिन वैसे लगता है आपको नहीं। वो सारा खाना वहाँ पे लगा, मैंने नज़र दौड़ाई, मैंने कहा कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं आम रूटीन में नहीं लूँ जो दिखने में थोड़ी सी महंगी लगती है, खाते हैं वो खाए और मज़ा आता है। लाउंज में आने से पहले गए सुनने ना ये दो तीन जगहों पर परफ्यूम सुना, हमें बहुत अच्छा लगा, रेप्लिका का है मेसन मागियाला का, ये है बाय द फायर, नाम जैसे है ना स्मेल वैसी कि जी आफ्टर द रेन, तो जो खुशबू होती है रेन के बाद वाली वो लगती है जैज़ क्लब, बाकी जो आप सोचते हैं डेट नाइट सारी वो स्मेल, तो ये बाय द फायर प्लेस। अब ये ऐसा लगता है जैसे मैं सिगरेट पी के आया हूँ, तो बाद जो स्मेल आ गई लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही स्मोकी सी हो जाती है, मतलब इट्स वेरी नाइस बट या ये है अच्छा। और इसका रिफिल भी ले लिया हमने, बोला भाई खत्म होने से पहले रिफिल भी साथ, हमें ये साथ कवर भी उन्होंने दे दिया, बोला जो आपको तस्वीर पसंद है वो लगवा दें, तो हमने ये चांगी एयरपोर्ट पे चंगाए जो भी बोलते हैं हमने यहाँ पे लगा दी, तब इसको ज़रा ये बॉक्स में डाल दो वापस प्लीज़। यार अगर आप लोग ट्रैवल करें तो प्लीज़ एक्चुअली लाइट ट्रैवल कीजिएगा, हमारी तरह मत करें, जल हो जाते हैं भाई, मैंने बैग पैक लगाया है कमर रह जाती है, थक जाते हैं। एमिरेट्स के लाउंज में गए, बड़ा मज़ा आया, फिर बाहर ड्यूटी फ्री गए, मज़ा आ रहा था कि कंधे आप देखे यार जवानी, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था लेकिन सब कुछ करके अब हम ज़रा अपने गेट पे आ गए हैं। अब गेट से पहली दफ़ा मैं जेनुअली बहुत एक्साइटेड, मैं एमिरेट्स की A380 में कभी नहीं बैठा, मैंने वीडियोस देखी हैं और मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मैं किस लेवल का एक्साइटेड, मैंने वो डबल डेकर जहाज़ कभी नहीं देखा, मैं तो डबल डेकर बस भी देख के खुश हो जाता हूँ, तो जहाज़ है मज़ा आने वाला है। फ्लाइट हमारी थी 9 बजे की, आधा घंटा डिले हुई और अब थोड़ी सी और डिलेड है क्योंकि 9:34 तो अभी हो रहे हैं, हम वैसे यार अपनी पाकिस्तानी एयरलाइंस की बुराई करते रहते हैं, जना लेट है, एयर सियाल लेट है, फलाना लेट है, एट 9:30 लिखा हुआ है हमारी बोर्डिंग एट 9:30, अब अभी आधा पौना घंटा, लेकिन चले A380 ये भी हम थोड़ा सा गम सह लेंगे
कोई मसला नहीं। गाइस बिजनेस क्लास और वो भी A380 के शीश के यहाँ से शुरू होते हैं, लाइन अलग, एंट्रेंस अलग। आपको अगला अपोलोजाइज भी कर, सॉरी सर, थैंक यू, हमारी वजह से आपकी फ्लाइट डिले हो गई, नो प्रॉब्लम, हम A380 में जा रहे थे, कोई मसला ही नहीं ब्रो, आधा घंटा और लेट कर ले। तो अब हम आ गए, यार गेम्स यहाँ से शुरू होते हैं। आते साथ ही गाइस इतनी डोमेस्टिक फ्लाइट लेने के बाद, इतनी कम लेग स्पेस के बाद ऑन टांगे खींच के लेटेंगे ऐसे। जिस फ्लाइट पे हम आए थे जो बेसिकली इस्लामाबाद से दुबई चलती है, वो जहाज़ थोड़ा सा छोटा होता है 380 का, तो इसीलिए इसकी लेग स्पेस ज़रा थोड़ी ज़्यादा होती है, बटन बटन भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। थोड़ी देर में हम छेड़ाछाड़ी करेंगे। अच्छा तो गाइस सबसे पहले हमारा जो वेलकम वो हुआ, वेलकम ड्रिंक्स, हमने बोला ऑरेंज जूस दे दिया, हमें नॉन अल्कोहलिक दिया गया ये मेन्यू। खाना भी चूज़ करते हैं कि क्या खाएंगे हम। पूरे नंबर थे भाई सब अमेनिटी किट के, इधर की भी अमेनिटी किट होती है, उसमें फिल्म का मेन नंबर होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से हमें बड़ी अच्छी लगी, बाकी बड़ा अच्छा। बेसिकली हमारी अमेनिटी किट है ये, इन्होंने दिया बल्गारी की बेसिकली अमेनिटी किट है, शेविंग फोम, आफ्टर शेव बाम, ये है छोटू सा परफ्यूम, ये है मॉइस्चराइजिंग लोशन, एंड ये है भाई साहब लिप बाम और चीज़ें, टिश्यूज, ये है रेजर, ये है कंगी। मैं तो सब बड़ी अच्छी लगी यार, मतलब लाइट फुल गेम्स, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन रखेंगे हम, फिर भी ऑन कर रहा है, हमारी मूवी लगी, हमारी सीट पूरा मैट्रेस डाल दी, फुल कंफर्टेबल हो गया, हमारा कमरा फील हो रहा है हमें। ये हमारा लेमन समथिंग ड्रिंक, हमारे नट्स, ये हमारे ऑलिव्स, गेम्स फाइनली स्टार्ट हो गए हैं। हमने मंगाया था पैसा टू साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड सैलेड पट्टा पानी खाने का एक्चुअल राउंड। हमने कहा कि हम ऐसे सोए कि हम लैंड होने से लिटरली आधा घंटा पहले उठे, सीट बेल्ट का जो साइन है वो ऑन हो गया, उस टाइम पे आप सीट से उठ नहीं सकते। गाइस हम अपने लाउंज में तो जा नहीं सकते जिसके लिए A380 मशहूर है, जहाज मशहूर है, वहाँ तो बैठ ही नहीं सके, वहाँ पे चल कर ही नहीं सके, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। मुझे लगता है कि अब हम ना अपने मिड लाइफ में आने वाले हैं, कि अंदर से आवाज़ आ रही है कि भाई शशके के चक्कर में ना थोड़ी लंबी हो गई है, डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं। अभी हम इस्लामाबाद होते दुबई एयरपोर्ट लैंड किए हैं, अब यहाँ से हम जाएंगे इस्लामाबाद की फ़्लाइट है, कितने घंटे में, 2 hours something, दो घंटे यहाँ पे वेट करेंगे, 3 घंटे की फ्लाइट, 5 घंटे और तकरीबन पूरा दिन ही लग गया उस ट्रैवलिंग में। फ्यूचर में अगर शशका ना हो ना, एक फ्लाइट लेनी चाहिए, इसके लाउंज में चिल करने के चक्कर में फ्लाइट भाई रह जाती है, बहुत बहुत महंगा पड़ता है। फुल इन टाइम हमें एक बग्गी मिल गई जिसे बैठ के हम आ गए, अदरवाइज हम नई फ्लाइट करा रहे होते और एयरपोर्ट पे सो रहे होते, क्योंकि उतना बग्गी वाला जिसने हमें लिफ्ट दे दी यहाँ तक। A380 से बोइंग 777 में आग वाइब थोड़ी लो हो गई है, वहाँ पे जो वाइब थी ना वो वाइब यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया खत्म करेंगे, दुनिया खत्म करेंगे यार, इसको और नीचे होना चाहिए वैसे, नहीं होता और नीचे, हाँ इतना ही होता है। एक जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है ना, बड़ा जहाज़ जो A380 होता है, ये सारे 777 का नहीं होता, हर एयरलाइन का डिफरेंट होता है, सीटिंग डिफरेंट होती है, बट फॉर एमिरेट्स A380 की जो सीट है वो बेड बन जाती है। बंदा आया, उसने प्रॉपर मेरी सीट पर मैट्रेस बिछाया, सीट विद ब्लैंकेट, हाँ नहीं, मुझे बड़ा मज़ा आया था। और ये वाली जो फ़्लाइट है, ये छोटी फ्लाइट्स होती हैं जो 2-3 घंटे की फ़्लाइट्स होती हैं, इनके अंदर आपकी सीट ऑलमोस्ट किसी भी रिक्लाइन हो जाती है, लेग स्पेस बहुत अमेजिंग होती है, लेकिन बेड नहीं बनता। मुझे बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, यहाँ पे ये वाला जो जहाज़ इसी सेंटर वाली रो में 3 सीट्स है, ठीक है, 3 सीट्स के जो शूर है कि मुझे समझ नहीं है, वो सीट वाला उसमें डाल लेगा, ये सीट वाला इसमें डाल लेगा, तो वो सीट वाला कहाँ डालेगा, उसका तो है ही नहीं। एयरपोर्ट से निकलते साथ ही उमर खड़ा हुआ था, हमारी जो नींद से हालत ख़राब हुई थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। वापस आए, अम्मा भी आधी नींद में, सब आधी नींद में, और हम फ्रंस हो गए, अभी उठे हैं, आप शक्ल से पता लग ही जाता है, बताने की भी जरूरत नहीं होती, कभी कभी उठ के कुछ ऐसे लगते हैं। फरमाइश अम्मा होगी थी कि अम्मा हमारा क्योंकि लास्ट डे होगा, लास्ट डे पे, लास्ट डे से मुराद भाई सब मतलब पूरी डाइट का लास्ट, इतना टाइम हम खा सकते हैं। और मले और सिंगापुरियन फूड के बाद हमें बड़ी शदीद क्रेविंग हो रही थी अच्छी पाकिस्तानी दुम्बा या मटन कढ़ाई की। हमने अम्मा को बोला कि हमें चाहिए, अम्मा ने यहाँ पे रेडी कर दिया। आज अब ठंडी हो जाएगी। ओके, ये मानो मेरी सीट पे बैठी हुई है। मानो खुशबू आ गई है ना। तो मानो तो खाते भी नहीं है मटन, इसको उठाओ ना। अफगानी नान भी है, आओ ना। ओके मैं आ गया जी। हमने ऑर्डर किया है हनीस किचन से, और जो हमना की बर्थडे पे हमने ऑर्डर किया था, बहुत मजे का। पूरे इस्लामाबाद में ऐसा खाना आपको नहीं मिलेगा, शनवारी और दम पोख्त, काबली पुलाव, और हर तरह के चपली कबाब, और जो आप चाहें तो ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। मीनवाइल मैंने इस सेटअप को इतना मिस किया ना यार, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। अभी बस ऐसे तो दोपहर के 3 बज रहे हैं, 4 एक्चुअली, देर में ये भी पीएंगे खाना खा के। वैसे हम अपने सफ़र से जेट लैग भी हो गए, थक भी गए, काम करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, मुलाकात होती है इंशाल्लाह जल्द ही, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।